शिवाय का जाप करेंगे तो क्या वो पाप होगा? वो विचार और भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। तामसिक लोग, राक्षसी जैसे लोग जो हमने मोशे वाया कहते हैं, जैसे रावण शिव उपासक था, रावण की शिव उपासना पूरा पाप था, क्योंकि रावण का मन में वो पाप करने के सिवा और कुछ भावना नहीं थी। वो सब कुछ जो रावण करता था वो सब कुछ पाप था। ओम नमो शिवाय बोलने से भी रावण का पाप था, क्योंकि शिव की उपासना की जिससे ज्यादा शक्ति प्राप्त हुआ, जिससे सबको कष्ट देने के लिए और भी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सका। सामान्यतः वैष्णवगण ओम नमो शिवाय नहीं कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, और शिव की उपासना इस प्रकार कहते हैं, क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो हो यः शम्भुतम् अभ्युत्थितः समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस मंत्र से वैष्णवगण शिव की उपासना करते हैं। ये मंत्र का अर्थ है कि शिव और हरि अभिन्न है, इस प्रकार जिस जैसे दूध और दही अभिन्न है। दही क्या है? दूध ही है, फिर भी अंतर है। दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं। तो इस प्रकार हरि और शिव अभिन्न है, लेकिन आदि पुरुष गोविंद है। तो यही मंत्र से हम शिव उपासना करते हैं।